हाय गाइज, वेलकम बैक टू एम ब्रोज रिएक्शंस। गाइज, आज के वीडियो में हम दो एड्स पर रिएक्शन करने वाले जो रमज़ान स्पेशल है। पहला है सर्फ एक्सल रमज़ान 2020, नेकी नहीं रुकेगी हैशटैग। सेकंड है नेकी की मिठास जामे शिरीन के साथ रमज़ान टीवीसी। सो ये दोनों ऐड पर हम आज रिएक्शन लेकर आए रमज़ान स्पेशल। तो शुरू करते हैं, हियर वी गो। रमजान मुबारक सर्फ एक्सल की तरफ से। इसीलिए रमजान नेकी का महीना है। पर अब्बू, ऐसे वक्त में नेकी कैसे करें? आदिल, जब नेकी करने की चाह होती है ना, तो नेकी करने की राह भी होती है। True. Leg piece. खाना लेकर जा रहा है। रहमत की बारिश रख हर दम जारी, कल तेरी बारी थी आज है मेरी बारी। नेकी नेकी से चलती दुनिया सारी, कल तेरी बारी थी आज है मेरी बारी। सुपर हीरो कैसे छुपेगी जो है खरी खरी, वो हाथ कैसे रुकेंगे जिसमें नेकी भरी भरी। नेकी ही एक जरिया है, ये भरता वो दरिया है जिससे उभरता जाए तू। आप रोज नेकी करते हैं, आज इसने भी नेकी कर ली। मेरे गूज़बम्स आ रहे यार, ये ऐड देखकर। रास्ता बदलती है, रुकती नहीं, और इसमें दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सल नेकी नहीं रुकेगी। गाइस, बहुत ही ज्यादा प्यारा ऐड बनाया सर्फ एक्सल, बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग है, और मेरे लिटरली मेरे गूज़बम्स आ गए थे इस एड को देखते हुए। एडवर्टाइजमेंट के साथ एक बहुत ही प्यारा मैसेज भी दे दिया है। हाँ, नेकी नहीं रुकेगी। और मैं देखता हूँ गाइस कि इस तरह की चीज़ों में ना बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। जैसे लोगों के घर रमज़ान में स्पेशली लोगों के घर जा जाकर इफ्तारी देना, हाँ, ये बच्चों को बहुत पसंद होता है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती है। या फिर बच्चे जो है हमारे यहाँ, तो बच्चे आपस में मिलकर ना थोड़े थोड़े पैसे जमा करते, कुछ बड़ों से लेते, कुछ खुद के जमा किए हुए पैसे निकाल के ना छोटा मोटा इफ्तार कराते, वो अपने बच्चों बच्चों में करते, या फिर हाँ, वो मतलब कई लोगों को आपस में इफ्तार पार्टी करते हैं दोस्तों के साथ। हाँ, पैसे मिलाकर वो बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह की चीज़ें करते हुए। तो इस तरह की चीज़ें वो बचपन से करते हैं ना, तो बड़े होकर भी उनको मतलब रहता है कि यार नेकी करना चाहिए। बचपन से ही ये चीज़ होना चाहिए बच्चों में, बहुत अच्छा रहता है बड़े होने के बाद उनके लिए। और हम सबको एक तरह से मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को इस तरह की चीज़ें करने के लिए, स्पेशली पेरेंट्स को। इसमें भी स्टार्टिंग में बताया है कि उसकी मम्मी उससे बोलती है। हाँ, उसके पापा समझाते हैं उसको कि नेकी क्या है। हाँ, सो गाइज बहुत प्यारा ऐड लगा यार, बहुत हार्ट टचिंग लगा, सीरियसली यार हार्ट टचिंग था और गूज़बम्स तो आ ही गए थे। सेकेंड ऐड भी देख लेते हैं अब, नेकी की मिठास जामे शिरीन के साथ रमज़ान टीवीसी। स्टार्ट करते हैं, हियर वी गो। अम्मी, खाना तो है ही नहीं, मैं अपना रोजा कैसे खोलूंगी? बेटा, रमजान आ गया है, मैं बाजी के घर से लेकर आऊंगी, वो जरूर हमारे लिए रमजान की चीजें लेके रखेंगी। पर अम्मी, बाजी तब आपको काम पर भी नहीं बुलाती है, और बाहर कोई गाड़ी भी नहीं चल रही है, आप कैसे जाएंगी? अमन भाई, आप शिवाजी ने रमजान का राशन भिजवाया है और जिस साथ में तुम्हारी तनख्वाह। क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे वक्त में भूल जाऊंगी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है
नेकी की मिठास जामे शीरी के साथ। जामे शीरी है यार, ये रूह अफ़ज़ा नहीं है। रूह अफ़ज़ा यहाँ पर चलता है? नहीं, वहाँ भी चलता है। चलता है गाइज, बहुत प्यारा ऐड था ये भी, और ये अच्छा लगता है। कभी कभी उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आपसे किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो और आप उनको इस तरह की हेल्प करें, तो उन लोगों को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। उनकी मम्मी को तो उम्मीद थी कि वो ज़रूर पहुँचाएंगी। हाँ, बट उनको कहीं ना कहीं अंदर से डर भी लग रहा था कि नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बट जो मिला उसके बाद जो खुशी मिली, वो स्माइल जो है ना, वो बहुत प्रीशियस है। मतलब बहुत प्यारी, दिल से दुआ निकलती है ऐसे टाइम में। मतलब अंदर से आपकी आत्मा दुआ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि यार इस टाइम पे हेल्प करिए, और एक सॉफ्ट ड्रिंक तो होना ही चाहिए इस तरह की, रूह अफ़ज़ा या जामे शीरीन टाइप की, रमज़ान इफ्तारी के टाइम। हाँ, अभी गर्मी के रोज़े चल रहे हैं, गर्मी में तो बहुत ज़रूरी है यार। हाँ, वैसे ये ड्रिंक का मुझे पता नहीं था, मुझे लगता है ये भी काफ़ी अच्छी ड्रिंक होगी, जामे शीरीन। आप बताइए, आप में से किस किस ने ये ट्राई किया है, जामे शीरीन? हमने नाम भी पहली बार सुना है। ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, क्योंकि हम इंडिया में हैं, तो प्लान करो यार इंडिया में भी इस तरह कुछ। वैसे रूह अफ़ज़ा भी पाकिस्तान का प्रोडक्ट है यार, वो इंडिया में भी मिलता है, तो ये भी मिल सकता है। अच्छा, रूह अफ़ज़ा पाकिस्तान, पाकिस्तानी प्रोडक्ट है रूह अफ़ज़ा। बहुत अच्छा लगता है गाइज इस तरह के एड्स देखना, हार्ट टचिंग एड्स रहते हैं ये। स्पेशली रमज़ान में जो पाकिस्तान के एड्स होते हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अभी सर्फ एक्सल वाला देखा, अभी ये देखा, दोनों ही बहुत अच्छे थे। हाँ, और इस वीडियो का दोनों का क्रेडिट भी हम सर्फ एक्सल और मतलब इनको ही जाता है, सर्फ एक्सल एंड जामे शीरीन को। बहुत ज़्यादा अच्छे एड्स थे ये। और कुछ बोलना है तुझे? चलो कोई बात नहीं, एनर्जी लो हो जाती है ना, शाम तक रोजा रखो। रमजान चल रहा है, बस वीडियो कैसे बना रहे हम ही जानते हैं। और इस पे ऊपर से ये सब चीजें भी इस तरह की दिखा देना खाने की। सो गाइज, बहुत पसंद आया आपको, कैसा लगा? अच्छे लगे तो करना लाइक शेयर, साथ में चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।